दोस्तों होली और दिवाली में आपने ज़रूर जो है गुजिया नमकीन मीठी गुजिया खाई होंगी, लेकिन ये देखिए हमने नमकीन गुजिया आपके लिए तैयार की हैं और ये खाने में बहुत स्वाद लगती हैं। और जो है इसे हम स्टीम्ड जो है कड़बू कहते हैं साउथ में, और इसे आप चाहें तो नमकीन गुजिया का नाम भी दे सकते हैं। और जो है मैंने इसके साथ एक बहुत बढ़िया सी मूंगफली की चटनी बनाकर रखी हुई है, और ये चटनी जो है बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही डाला हुआ है, आप चाहें तो उसी से सीख सकते हैं। तो देखिए ये एक स्टीम्ड फूड जो हमने तैयार किया है, ये बहुत ही पौष्टिक होता है, आपके हेल्थ के लिए ये बहुत बढ़िया है, इसे कोई तलने की तेल में आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह से आप बनाकर बच्चों को ज़रूर दे सकते हैं, बहुत पौष्टिक होता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको सिखाएंगे कि इस नमकीन गुजिया को या कड़बू को किस तरह से बनाया जाए। दोस्तों हमें जो है कड़बू बनाने के लिए चने की दाल चाहिए, जिसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगोकर रखा हुआ है। ये एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है जिसे साउथ में खाया जाता है, अधिकतर गाँव में खाते हैं इसे, तो जो है ये बहुत ही पौष्टिक होता है, तो हम आपको बनाना सिखाएंगे। चने की दाल को जिसे मैंने 6 से 7 घंटे तक भिगोकर रखा था, उसका जो है मैंने अच्छी तरह से पानी निकालकर छान लिया है, और अब जो है हम इसमें केवल इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालकर इसे हमें पीसना है। दोस्तों कड़बू बनाने के लिए हमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि ये हैं कटी हुई हरी मिर्च मैंने ली है, यहाँ पर अदरक कुछ अदरक के पीसेस मैंने काट के रखे हैं, और लहसुन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। तो इस तरह से ये करी पत्ता है, करी पत्ता मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, आप चाहें तो कम ले सकते हैं, और ये गाजर मैंने कस के जो रखी हुई है इसे हम बाद में डालेंगे पूरे इंग्रेडिएंट्स पीसने के बाद। तो और ये है हींग, आप अपने स्वाद के अनुसार हींग इसमें डाल सकते हैं, और ये है हरी धनिया जो हम इसमें पीस कर डालेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं जो है सबसे पहले चने की दाल इस जार में डाल देती हूँ, और इसे पीसते समय हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो है जो है मैंने आपको बता ही दिया है। तो हरी मिर्च मैंने इसमें डाली, इसमें हमने अदरक के कुछ पीसेस काट कर डाले, इसी में हम लहसुन डाल देंगे, और करी पत्ता जो है इसमें डालकर, और ये है जैसा कि मैंने बताया था हरी धनिया जो बहुत ही बढ़िया स्वाद देती है, इसमें हरी धनिया भी इसी में हमने डाल दी, और स्वाद के अनुसार जो है मैं इसमें नमक डालती हूँ, आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और हींग जो है कुछ थोड़ी सी बिल्कुल हींग आधा चम्मच के करीब आप डाल दीजिए। तो अब जो है इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालिए, 1 या 2 चम्मच ही पानी डालिए, ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी बाद में गाजर भी डालनी है, ये गीला होने से फिर ठीक से नहीं बनेगा। तो दोस्तों देखिए हमारा एक बहुत बढ़िया सा हरा भरा सा मसाला तैयार हो चुका है, जब हमने चने की दाल डाली है और उसमें सारे मसाले डाले। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो है गाजर मैंने जो कस के रखी हुई थी इसे मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ। तो आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, मेथी की पत्तियाँ इसमें डालिए, या फिर सोया मेथी जो है वो भी बहुत अच्छा स्वाद देती है, तो लेकिन मैंने जो है इसमें गाजर डाला है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से जो है मैंने एक बाउल में इसे निकाल लिया है जार से निकाल कर, और देखिए जब आप मसाला पीसते हैं चने की दाल के साथ तो जो है उसे थोड़ा सा गरगरा ही रहना है, बहुत ज़्यादा इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जो है एकदम महीन नहीं पीसना है। तो देखिए इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। देखिए जो हमने ये स्टफिंग यूज़ की थी उसके लिए जो है हमें चाहिए कड़बू बनाने के लिए जो है मैंने ये गेहूं का आटा, इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं मारना है, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, इसे बिल्कुल नॉर्मल चपाती की तरह माड़ के रखना है। तो मैंने जो है इसे माड़ कर 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो अब जो है हम इसकी छोटी छोटी सी चपातियाँ बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाकर इसमें भरनी है।
तो दोस्तों कड़बू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी रोटी पहले लेकर जो है हम बेल लेते हैं और इस तरह से देखिए आप बड़ी सी रोटी जब बना लेते हैं एक ही बार में तो आपके कड़बू कम से कम एक ही बार में 3 या 4 बन जाते हैं। इसमें क्या होता है आपका टाइम सेव होता है। तो इस तरह से बहुत मोटा आपको नहीं बेलना है। हर तरफ से बराबर से बेलते हुए जो मैं एक ही चपाती बना लेती हूँ पहले, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसे काट सकते हैं। देखिए हमारा आटा बहुत अच्छा हमने मारा था, इसी वजह से जो है आटा देखिए ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा नॉर्मल अगर आप मार कर रखते हैं तो आपको ये मतलब बहुत अच्छा बनता है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने जो है एक दूध के डब्बे का ढक्कन लिया हुआ है, आप कोई भी किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। तो मैं जो है अब इसको इस तरह से करने से होता ये है कि सब एक ही साइज़ के हम बना सकते हैं। इस तरह से देखिए जब हमने इस ढक्कन की हेल्प से इन्हें काटा तो कितने बढ़िया एक ही साइज़ के बने हैं। तो एक ही साइज़ के बनने से जो है रेसिपी सुंदर भी लगती है और खाने में भी जो है फिर उसका मन करता है। तो देखिए हम इस तरह से अलग निकाल कर रख लेंगे और ये बचा हुआ जो आटा है इसका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं दूसरी लोई बनाने में। दोस्तों देखिए हमने जो है इस तरह से शेप्स काट लिए थे और अब हम इस मसाले को चने की दाल के मसाले को जो है बहुत थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं और इसमें देखिए नॉर्थ इंडिया में एक रेसिपी बनती है वो होती है मीठी गुजिया, तो इसी शेप का हम बनाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही ध्यान से इसे दबाना है और जब हम भरते हैं तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। मसाला बाहर आ गया तो जिस पानी में हम उबालेंगे वो पानी भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हम बंद कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ऑलरेडी कुछ बना के रखे हुए थे शेप्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये पानी मैंने उबलने के लिए रखा था एक कढ़ाई में और आप चाहें तो कोई दूसरा बर्तन ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया था, नमक डालने से जो है इस पूरे में थोड़ा सा ये नमकीन हो जाते हैं। वैसे तो हमने इसमें ऑलरेडी नमक डाला हुआ है आटे में भी और अंदर मसाले में भी और हम एक एक करके इसमें डिप कर देंगे। तो पानी मेरा उबल चुका था इस तरह से। अब इसे जो है कम से कम 15 मिनट तक हमें उबालना है। इस तरह से बनाने से दोस्तों ये बहुत टेस्टी बनते हैं और टेस्टी से ज़्यादा ये पौष्टिक बहुत होते हैं। आप सुबह नाश्ते में या शाम को आपको कुछ दूसरा बनाकर खाने की इच्छा है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो अब जो है मैं इसे ढक कर रख दूँगी, कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम इसे उबालेंगे। देखिए दोस्तों हमारे कड़बू अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और ये जो पानी है इसे आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा क्योंकि एक सूप की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चावल पकाते हैं आप उसमें डाल लीजिए या जब आप आटा मारते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दाल वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए ये इस तरह से हम एक एक करके अब प्लेट में निकाल लेंगे। गैस मैं ऑफ कर देती हूँ। तो ये अब खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप इसे जो है बच्चों को सॉस के साथ या चटनी के साथ दे सकते हैं। साउथ की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है और जिसे कड़बू कहते हैं। ये चावल के भी बनते हैं, आप चाहें तो कभी आप चावल का भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं इसी तरह से। देखिए इस कड़बू के साथ जो है हमने पहले ही मूंगफली की चटनी बनाकर रखी थी जो बहुत स्वाद लगती है और जो है इस कड़बू को अक्सर जो है इसी चटनी के साथ खाया जाता है, इसके साथ ये बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। तो देखिए मैं अब जो है इसे सर्व करती हूँ।
सब दोस्तों बहुत स्वाद से खाते हैं, बच्चे बूढ़े सभी। इसे आप ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।